नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। युवा एकता परिषद की किसान इकाई के द्वारा अन्नदाताओं की जायज मांगों को लेकर के पिछले 7 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन किया जा रहा है। अनशन स्थल पर क्षेत्र के विधायक नागेंद्र सिंह ने किसानों की मांगों को जायज ठहराते हुए रेलवे मंत्रालय को खत लिखकर किसानों की समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। बता दें कि युवा एकता परिषद युवा आगाज की किसान इकाई द्वारा किसानों के हित में लड़ी जा रही लड़ाई तूल पकड़ती जा रही है। ज्ञात हो कि रीवा ललितपुर रेल परियोजना के लिए 2017-18 में अधिग्रहित की गई भूमि के बदले किसानों को नौकरी देने का वादा रेलवे विभाग ने किया था, किंतु अब तक नौकरी नहीं दी गई, जिससे आक्रोशित किसानों ने युवा एकता परिषद के साथ बासा एवं मडवा में रेलवे सुरंग सहित अन्य निर्माणाधीन कार्यों को रोककर ग्राम बासा में अनिश्चितकालीन अनशन करने का निर्णय लिया है। रेलवे के आला अफसर और तहसीलदार ने पहुंचकर किसानों को अनशन ना करने की समझाइश दी, किंतु किसानों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक हितग्राहियों को नौकरी देने का लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक ना ही रेलवे को काम करने दिया जाएगा और ना ही इस अनशन को खत्म किया जाएगा। किसानों के अनशन में कई स्थानीय नेताओं का आना जाना और किसानों की मांगों के प्रति समर्थन बढ़ता जा रहा है। गुरुवार की रात लगातार हुई तेज बारिश और हवाओं के बीच तंबू तनकर अनशन पर बैठे किसानों में से 2 अनशनकारियों का स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ गया, जिसके बाद एम्बुलेंस के माध्यम से तत्काल स्वास्थ्य केंद्रों में उन्हें भर्ती कराया गया। अब उनके स्वास्थ्य में सुधार बताया जा रहा है। किसानों का कहना है कि अगर शासन प्रशासन ने हमारी मांगे नहीं मानी तो आगे रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन का नेतृत्व जिला संयोजक युवा एकता परिषद विकास अग्निहोत्री एवं संगठन के संरक्षक सचिन शर्मा सूर्या के द्वारा किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर अमन शुक्ला आर्यन की ये रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। एक हफ्ते हो गए धरने को, अभी तक कितने प्रशासनिक अधिकारी आपके कांटेक्ट किए और यहाँ पे आश्वासन दिए? कुछ प्रशासनिक अधिकारियों में यहाँ पर तहसीलदार मैडम 2 बार आई और रेलवे के कुछ अधिकारियों ने संपर्क किया है, लेकिन अभी तक कोई किसी ने ऐसा आश्वासन नहीं दिया कि आपकी मांगे पूरी होंगी। सब ने एक ही व्यक्ति के ऊपर छोड़ दिया, एक ही रेलवे बोर्ड के ऊपर छोड़ा है कि जो भी निर्णय लेगा नियुक्ति को लेकर तो रेलवे बोर्ड लेगा, ये हमारे बस की बात नहीं, चाहे वो रेलवे के अधिकारी हो चाहे यहाँ के कोई स्थानीय प्रशासन। रेलवे क्या कहता है कि रेलवे के पास आपने अपनी मांगें रखी? रेलवे का यही कह, रेलवे के जो अधिकारी हैं जिनसे हमारा संपर्क हो पा रहा है, उनका भी यही कहना है कि जो बोर्ड का एक सर्कुलर आया है कि 11/11/19 के बाद से जो नियुक्ति का प्रावधान है रेलवे में मात्र मुआवजे का है, नियुक्ति का प्रावधान खत्म कर दिया गया। हम लोगों ने उनसे बात की कि 11/11/19 के बाद से ख़त्म हुआ है, उसके पहले तो दिया जाना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि बोर्ड का एक सर्कुलर आया है उसको विड्रा कर दिया गया, अभी रोक दिया गया है उसके पहले की भी नियुक्ति, इसीलिए हम लोगों को ये अनशन करना पड़ रहा है। और रेलवे का पूरा काम किसानों द्वारा रोक दिया गया है। यहाँ पर युवा एकता परिषद किसान इकाई के सभी युवा साथी और किसान जाकर सुरंग का काम और यहाँ मिट्टी फिलिंग का भी जो काम हो रहा था उसको रोक दिए हैं। हमारे पास अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति भी है और रेलवे का बड़ा नुकसान भी हो रहा है इससे, काम ना होने की वजह से। आंदोलन को लेकर आगे की क्या कार्य योजना है आपकी, क्या करेंगे यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती? आंदोलन को लेके अभी तो यहाँ पर एक आगे की योजना कमिश्नर यहाँ ज्ञापन देने की योजना बन रही है, इसके बाद हमारे जो युवा एकता परिषद किसान इकाई है वो ये निर्णय लेने जा रही है कुछ ही दिन बाद कि अगर जल्द से जल्द समाधान नहीं होता है तो रेल रोको आंदोलन चलाया जाएगा और हो सकता है कि दिल्ली संसद भवन के सामने भी धरना देना पड़े। अपने स्तर पर करना था वो मैंने प्रयास किया है, जिसकी काफ़ी मैंने यहाँ के ये धरना आंदोलन के जो अगुवाई कर रहे हैं युवा एकता परिषद उनको दी है, मैंने इनकी मांगें समझी हैं और रेलवे विभाग का जो परिपत्र है जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि नौकरी न देने का जो आदेश दिल्ली से जारी हुआ है वो 11/11/2019 के पूर्व का है, मतलब उसके बाद का है,
उसके बाद नौकरी नहीं दी जाएगी। उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये आदेश आज से प्रभावी है, आज से मतलब 11/11/2019 से। तो स्पष्ट है कि उसके पहले जिनकी जमीनें ले गई है उनको नौकरी देनी चाहिए। और इसलिए मैं भारत सरकार से, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपील करता हूँ रेलवे बोर्ड से कि इस आदेश को वो स्पष्ट करें और पश्चिमी रेलवे मंडल का जो जबलपुर हेडक्वार्टर है उसको निर्देश दें कि 11/11/2019 के पहले जो जमीनें अधिग्रहण की गई हैं उनके आश्रितों के परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी रेलवे बोर्ड के पूर्व समझौते के अनुसार देना चाहिए और दिया जाना चाहिए। वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी से इस क्षेत्र के विधायक हैं, तो आपकी कृपा है, भारतीय जनता पार्टी की ही केंद्र में सरकार है और कहीं ना कहीं रेलवे बोर्ड के जो भी नियमावली है केंद्र सरकार से ही आदेशों पे चलती है, क्या किसी प्रकार की रेल मंत्री महोदय से या किसी जिम्मेदार अधिकारी से आपकी बात हुई है इस मामले में? अभी बात नहीं, मैं पत्र भेजा हूँ, ईमेल की कॉपी आपको दिया हूँ, अभी हमारी कॉपी वहाँ पहुँच गई है, उस पर क्या एक्शन होता है, नहीं तो फिर मैं बात भी करूंगा और आपके हकों की जो लड़ाई है उसमें मैं हमेशा शामिल रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।